बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली जंजारी, AQ वेब टीवी चैनल की जानिब से। में बुर्ज हमल के हामिल जो अफराद हैं उनकी शख्सियत के हवाले के स्पेशली आपकी हैसियत और शख्सियत नेक नामी, शुजात, खुद इत्मादी में बेपना इजाफा इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आएगा। इसका सबब आपका हाकिम सितारा मरीख जो कि 1 जनवरी से 14 फरवरी आपके ताले में रहने के सबब आपके अंदर इब्तदाए साल से ही कारहाए नुमाया अंजाम देने का एक जो ख्वाहिश और जज्बा है वो तड़प को यकीनन मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा देगा। तमीर और तरक्की के ऐसे काम जो पहले मुमकिन ना थे उनको आप बतौर चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और उनको इंशाल्लाह बआसानी अंजाम देने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके नसीब का हाकिम सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद अपने ही घर अरूज याफ्ता रहते हुए आपके दोस्त के ताले के हाकिम मरीख से 23 ता 27 जनवरी नज़र तसलीस स्पेशली ये ऐसी एक अच्छी और ख़ूबसूरत नज़र होगी जो कि सितारा मुश्तरी के साथ बनती हुई नज़र आ रही है और इस नज़र की वजह से आपके अंदर ना सिर्फ दूसरों की मदद व तआवुन करने का जज्बा, रूहानी तौर के ऊपर अपनी जो रूहानी मामलात हैं आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म को आगे लेके चलने का एक जज्बा है वो इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगा और इसके अलावा इज़्ज़त व तौकीर, शोहरत, अलगर्ज हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनकी इज़्ज़त व तौकीर जो है वो इंशाल्लाह स्पेशली इस नज़र के दौरान जो है यकीनी तौर के ऊपर अरूज की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो दूसरों की मनफी सोच से मुतासर हुए बग़ैर आप अपनी पॉजिटिविटी को अमली तौर के ऊपर इंशाल्लाह अपने ख्यालात को अमली जामे की सूरत में लेगी, पोजीशन में आ जाएंगे। आपका ताल्लुक अगर सियासत से है या आप अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं तो आपकी शख्सियत का दबदबा जो है और तस्खीर खलाइक के मराहिल नहायत आसान होंगे। इसके अलावा आपकी कही हुई बात मद्दे मुकाबल के जो फरीक हैं उनके ऊपर पॉजिटिवली असरअंदाज होती हुई नज़र आएगी और वह ना चाहते हुए भी आपकी हाँ में हाँ इंशाल्लाह ज़रूर मिलाएंगे। इसके अलावा दीगर मरीख मुश्तरी की जो सात नज़रात हैं स्पेशली मरीख मुश्तरी की जो तसलीस है 24 ता 27 जुलाई और इसके अलावा तजदीस 10 ता 15 नवम्बर बनने से आप अपने मकासद में नुमाया मुकाम पा सकते हैं और इसके अलावा ताहम मरीख मुश्तरी की जो नहस तवारीख हैं इनमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली दूसरे अफराद के साथ अपनी जो आपके एग्रीमेंट्स हैं या उनके साथ आपकी जो कि गुफ्तगू का अंदाज है उसको आपने बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस रखना है और ये जो आपके नेगेटिव डेज हैं इनको आप नोट डाउन काइंडली कर लें और इनका आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि दूसरे फर्द आपकी किसी भी बात के ऊपर नाराज़ हो सकते हैं और ये जो नेगेटिव डेज हैं स्पेशली मरीख मुश्तरी की जो नहस तसलीसात और नहस नज़रात बन रही हैं वो बनेंगी 27 मई से लेके 10 तक और इसके अलावा 14 सितंबर से ऑनवर्ड्स जो टाइम फ्रेम है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा और तब आप कोशिश करें कि गैर इखलाकी कामों में अगर आप अपना हिस्सा ना डालें तो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक सम्राट रह सकेंगे। बुर्ज सौर के हामिल जो अफराद हैं आपकी शख्सियत 2019 के हवाले से अगर हम देखें तो आपका हाकिम सितारा जोहरा खूबसूरती, कशिश, सहर अंगेजी और जज्बात और मोहब्बत का हुक्मरान है। हर जंग का अंजाम सुलह ही होता है तो फिर क्यों ना 2019 को सब्र व तहम्मुल बुर्दबारी से हम बेहतर बनाएं। इसी हवाले से सितारा जोहरा 27 मार्च से 20 अप्रैल शर्फ याफ्ता रहेगा और इसके अलावा 15 मई से 9 जून और फिर 17 सितंबर ता 8 अक्टूबर औज याफ्ता और इसके अलावा 2019 सितारों की मजमूई तौर के ऊपर मिली जुली नशिस्त से सबब जो आपके ये मंदरजा बाला आयाम हैं जो मैंने आपको ये तवारीख बताई हैं ये तमाम वो डेट्स हैं जिनमें आपके मुस्तकबिल को आप दरख़शां बनाने की पोजीशन में, अपनी हैसियत और शख्सियत में निखार और बेहतरी के लिए सोशल समाजी आपके जो ताल्लुकात हैं, रवाबत हैं उनको आप काफ़ी हद तक इंशाल्लाह निखार सकेंगे। इसके अलावा आप कोशिश करें कि इन अयाम में आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो दूसरों को आप कन्विंस करने की पोजीशन में रहेंगे कि आप उनको अपनी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उनके अकॉर्डिंगली आप उनको कन्विंस कर सकेंगे। इसके अलावा 2019 अगर हम देखें तो जोहरा मरीख की जो स्पेशली नेक और पॉजिटिव डेज़ हैं उनको अगर आप नोट डाउन कर लें तो ये तमाम वो डेज़ हैं जिनमें आप अपना कोई भी नया काम अंजाम देना चाह रहे हों या अगर आपके कोई ऑलरेडी काम चल रहे हैं उनमें आप बेहतरी लेके आना चाह रहे हैं तो उसके हवाले ये डेट्स जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी। और ये डेज हमारे पास जो जनवरी के आ रहे हैं वो हैं 16, 17, 18 एंड 21 जनवरी, इसके अलावा 17, 18, 19 फरवरी,
12, 13, 14, 15, 16 मार्च, इसके अलावा 11, 12, 13, 14 अप्रैल, 13, 14, 15, 16 और 31 मई, इसके अलावा 1 जून और फिर उसके बाद 23, 24, 25, 26 अगस्त, 1, 2, 7, 8, 9, 10 सितंबर, इसके अलावा 19, 20, 21 अक्टूबर और फिर 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 और 20 दिसंबर। ये वो तमाम साल के डेज हैं जिनमें आप अपने कोई भी अच्छे और खुशगवारी के अंजाम, अगर कोई भी मामलात को अंजाम देना चाह रहे हैं तो इन तमाम अयाम में आप अपने मामलात को अगर पॉजिटिव वे के साथ लेके चलेंगे तो आपको उसके काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव नतीजे ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ साथ तमाम वो नेगेटिव डेज़ जो कि आपको 2019 में प्रॉब्लम दे सकते हैं, उन दिनों को भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको भी नोट डाउन कर लें ताकि आपके तमाम तर ऐसे मामलात जो कि आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलें, उनमें किसी भी तौर के ऊपर कोई भी मनफी रुझानात आपको या तो लेग पुलिंग की सूरत में या दूसरों से प्रॉब्लम्स की सूरत में उन नेगेटिव डेज में ना मिल सके। तो वो जो नेगेटिव अयाम आ रहे हैं, आपके जो हाकिम प्लैनेट सितारा जोहरा है उसकी मनफी जो नजरात बन रही हैं दूसरे प्लैनेट्स के साथ, तो इनको आप नोट डाउन कर ले। वो जो नेगेटिव डेज हैं इनमें 19, 21, 22, 23 जनवरी, इसके अलावा 19, 20, 21, 22, 23 मार्च, 6, 7, 8 मई, 13, 14, 15 जून, 18 से लेके 26 जुलाई तक और इसके अलावा 25, 26 सितंबर, 17, 26, 27, 28, 29 अक्टूबर। ये तमाम वो मनफी और नहस अयाम हैं जिनमें आपको या तो सदकात देने की ज़रूरत है या आपको अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि उन अफराद से इन मनफी जो आपके नहस अयाम हैं इनमें आप उन अफराद से मुशावरत ज़रूर रखें जिनको आप समझते हैं कि वो आपके साथ मुखलिस हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स हैं, अजीज़ वकारिब हैं, बहन भाई हैं आपके, स्पेशली आपके जो ब्लड रिलेशंस में आते हैं उनके साथ अगर आप अपने मामलात को डिस्कस करेंगे तो आपको मेंटली तौर के ऊपर भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवाराना अंजाम देखने को मिलेंगे। और वैसे भी ओवरऑल जो 2019 का साल है ये तो आपकी शख्सियत में निखार और मोहब्बत का साल है। दो हज़ार उन्नीस में बुर्ज जौज़ा के हामिल जो अफराद हैं, स्पेशली आपका ये जो साल है ये गैर मामूली साल जो आपकी अपनी शख्सियत में तमीर और तरक्की के लिए अहम फ़ैसले ला सकता है। अपने अंदर आप बेचैनी, उदासी, मायूसी को किसी भी वक्त जगह ना दें, क्योंकि 17 अप्रैल से ले कर 6 मई तक और इसके अलावा 29 अगस्त से ले कर 9 दिसंबर तक सितारों की सात पोजीशन की वजह से आपकी हैसियत और शख्सियत में बेहतरी आए और आप ज़रा सी हिम्मत और कोशिश से अपने अंदर महदूद वसाइल में कामयाबियां पा सकते हैं। इसके अलावा शमसी जायचे के चारों औताद के हाकिम सितारा अतारद मुश्तरी की सात नजरात 3-4 फरवरी, 24-25 सितंबर, 2-3 मई, 21-22 अगस्त बनने से आपकी जिम्मेदारी और फर्ज शनासी से अपने दूसरों के लिए इज्तमाई अच्छी और अहम फैसले करने की आप पोजीशन में होंगे। ना सिर्फ आप अपनी ज़ात के लिए अच्छे फैसले कर सकेंगे बल्कि आपकी लाइफ के साथ तमाम तर जो अफराद लिंकअप करते हैं, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके जो आप साहिब औलाद हैं तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो शरीक हयात है, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो दोस्त बाप हैं, ये तमाम वो अफराद होंगे जो आपकी शख्सियत से इस साल में बहुत ज़्यादा फ़वाद हासिल कर सकते हैं आपसे मुशावरत की सूरत में। इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी मुस्बत और तख्लीकी सलाहियतों के सबब हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाने के जनून में किसी हद तक आप जो कामयाब हो रहे हैं, आप ये चीज़ मत भूलें कि इसका इन रिटर्न इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। इसके अलावा 2019 की वो तवारीख जो एहतियात तलब हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लें ताकि आप दूसरों के साथ अपने कोई भी मामला अगर अंजाम देना चाह रहे हैं तो इन नेगेटिव डेज में अगर आप अंजाम दे रहे हैं तो या तो इनको आप डिले कर दें, या फिर बहुत ज़रूरी है अगर आपको कि इन्हीं डेज में देना है तो फिर आप कोई ना कोई सबका दे के जो है अपने मामलात का आगाज़ करें। और वो जो नेगेटिव और नहस अयाम आ रहे हैं वो स्पेशली बनेंगे 22, 23 फरवरी, इसके अलावा 15, 16, 17 मई, 11, 12, 13 अगस्त, 5, 6, 7 सितंबर और 30 मई से लेकर 6 जून का जो अरसा है ये नहायत एहतियात तलब है। और इन अयाम में कोशिश करेंगे दूसरों से किसी भी तरह की बहस, तकरार और दूसरों से एक जो आपके आइडियाज़ की शेयरिंग है उनमें अगर आपकी सोच अगर दूसरों के साथ नहीं मिल रही तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि आप खामोशी इख्तियार करें, चीज़ों को दरगुजर कर दें। ये आपके लिए करना बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अपनी मर्ज़ी को
آپ دوسروں کے اوپر مسلط کریں گے تو ممکنہ طور کے اوپر دوسروں کی ناراضگی جو ہے وہ آپ کو مول لینی پڑ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو عرض کردہ آپ کے صدقات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان نگیٹو ڈیز میں آپ جو صدقات دینا شروع کریں گے تو آپ کا اوور آل کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو اور بہتر گزر سکے گا. برج سرطان کے حامل افراد 2019 اسپیشلی آپ کے لیے ملی جلی اور ساتھ اور نحس نشست لیے ہوئے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر آپ ہمت اور حوصلہ اور امید کا دامن نہ چھوڑیں تو پھر آپ کو مثبت کوشش اس سال آپ کے لیے بتدریج مثبت اور بہتر بنا سکتی ہے. 1 جنوری سے 14 فروری ستارہ مریخ آپ کی ممکنہ وسائل اور اسپیشلی آپ کی جو ہمت اور حوصلہ ہے یہ آپ کو عطا کرتے ہوئے ممکنہ طور کے اوپر آپ کو ایسے وسائل مہیا کرے گا کہ آپ اپنی خواہشات کو نہ صرف پورا کر پائیں گے بلکہ ایسے کام جو پینڈنگ ہیں جو آپ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ مکمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مشکلات جو ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ قابو پا سکیں گے. اس کے علاوہ اس سال جب آپ کا ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ناپسندیدہ واقعات کی وجہ سے جب بڑھ جائے تو حاسدین کی جانب سے آپ مخالفت مخاصمت اور چیلنج کا سامنا محسوس کریں تو ان تمام معاملات میں آپ نے دل برداشتہ بالکل نہیں ہونا اور بجائے کہ آپ دل برداشتہ ہونے کی بجائے آپ عبادت اور ریاضت جو ہیں ان میں اپنی یکسوئی اور اپنی جو دل جوئی ہے اس کو آپ عبادت اور ریاضت کی صورت میں جا کے کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کا جو نام کا اسم اعظم ہے یہ آپ کسی بھی اچھے اسٹرالوجر یا ادارہ آئینہ قسمت اور ہمارے AQ چینل کے جو بانین ہیں ان سے جان کے آپ اپنے نام کا جو اسم اعظم ہے اس کا ورد اس تمام سال میں ضرور کرتے رہیں تاکہ آپ نہ صرف روحانی طور کے اوپر پریشانیوں سے پاک رہیں اور آپ کی جو ہمت حوصلہ اور تقویت ہے وہ آپ کے لیے جو ہے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہے. اور اگر آپ یہ نہ کر پائیں تو کثرت درود شریف جو ہے یہ بھی آپ کو روحانی برکتوں سے انشاءاللہ نوازتا رہے گا. اس کے علاوہ نہ عاقبت اندیش لوگوں کی سازشوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اسپیشلی جو میں آپ کو ایام بتانے جا رہا ہوں یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ کوشش کریں کہ یا تو صدقات دینا شروع کریں یا پھر اپنے مخلص احباب سے مشاورت ضرور کریں. اسپیشلی ستارہ زحل جو کہ 30 اپریل سے لے کے 18 ستمبر تک 7ویں گھر اور اس کے علاوہ ستارہ مشتری 10 اپریل سے لے کے 11 اگست 6 آپ کے لیے رجت کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے رہے گا تو جس کی وجہ سے آپ کے لیے پرابلم اسپیشلی آپ کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں اور خام خواہ کی ہیلتھ ایشوز پرابلمز نگیٹیوٹی طبیعت میں سستی اور کاہلی کا آ جانا یہ ساری چیزیں آپ محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں فیل کر رہے ہیں تو کسی اچھے روحانی یا معالج سے مشورہ جو ہے وہ آپ ضرور کریں, اپنی صحت کا خیال ضرور کریں. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ 2019 جو ہے یہ وقفہ سے آپ 7 اناج مختلف مکس کر کے اپنا صدقہ جو ہے وہ دینا شروع کریں. برج لیو کے حامل جو افراد ہیں آپ کا یہ حاکم ستارہ بادشاہ فلک شمس 2019 میں اپنے اندر بے پناہ سعادتیں اور وسعتیں لے کے ستارہ اکبر مشتری کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شمس اور مشتری کی سعادت آپ کی زندگی میں رنگ بھر دے گی. اور 12 سال بعد مشتری کا 5ویں محبت انعام اولاد روحانیت میں دلچسپی سے سکون قلب حلقہ احباب میں آپ کی شخصیت کی سحر انگیزی سے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں گے. اور نہ صرف دوسرے متاثر ہو سکیں گے بلکہ آپ کو خود روحانی طور کے اوپر اور قلبی طور کے اوپر تسکین جو ہے وہ بھی انشاءاللہ 2019 میں ضرور ملتی رہے گی. اس کے علاوہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے کیوں نہ ہو ستارہ شمس 21 مارچ تا 20 اپریل شرفی پوزیشن میں, اس کے علاوہ 21 مئی تا 22 جولائی اوجی پوزیشن میں اور 23 جولائی تا 23 اگست حالت عروج میں ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں درینہ خواہشات اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور کافی سالوں سے نہیں ہو پا رہا بلا وجہ کی رکاوٹ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ وہ نیک ایام ہوں گے جن میں آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے اور آپ سکھ عزت اور آپ کی حیثیت و شخصیت جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا. انہی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ان نیک ایام میں ایسی پلاننگ ضرور کریں جو آپ کے آگے آنے والے جو سال ہیں
उनमें काफ़ी हद तक मुस्तकबिल जो है आपका दरख्शां बन सके, और स्पेशली इन नेक अय्याम में मज़ीद और अगर आप जो है इजाफा कर लें तो आप 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी और इसके अलावा 23 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक इन्हीं अय्याम के साथ आप मज़ीद और ज़्यादा थोड़ा सा इजाफा अगर कर लें, और वो इजाफा जो है स्पेशली थोड़े से नेगेटिव अय्याम का है, उन नेगेटिव अय्याम का जिनमें आप कोशिश करें कि आप दूसरों के साथ जो मेल मिलाप है, जो आपका लेन देन का सिलसिला है, उस पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, उस लिखत पढ़त जो है वो ज़रूर कर लें, और ये नेगेटिव जो डेज़ हैं उनको आप नोट डाउन कर लें। वो आ रहे हैं 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी और इसके अलावा 23 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक, जब आपका जो हाकिम सितारा शम्स है ये कमज़ोर पोजिशन में, वबाली पोजिशन में और हबूद की पोजिशन में रहेगा। तो ये वो अय्याम है जिनमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, सदका देने की ज़रूरत है, और इन नेगेटिव डेज़ में अगर आप रेमेडीज़ कर लेते हैं तो बाकी जो ओवरऑल 2019 का साल है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवारी का साल रहेगा। बुर्ज शुमला के हामिल जो अफराद हैं, आपकी शख्सियत स्पेशली आपका जो ताले का मालिक है और आपकी इज्जत यानी कि आपके जो जायचे के दसवें का हाकिम सितारा है, दोनों का जो मुश्तरका कंबाइंड सितारा 2019 की इब्तदा से ही खुशबख्ती के योग बनाने के सबब आपकी इज्जत और तकरीब में इजाफा करेगा, जिसकी वजह से 21 मई से 5 जून और 29 अगस्त से 14 सितंबर हालत शर्फी पोजीशन में, और इसके अलावा अरूजी पोजीशन में, दोनों कंबाइंड डेज़ मैंने आपको बताए हैं, और इसके अलावा 14 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक हालत औज में रहने की वजह से आपकी हैसियत और शख्सियत में यकीनन इजाफा हो सकेगा, और स्पेशली ऐसे संभली अफराद जिनमें आगे बढ़ने का जुनून और जज्बा है वो इस साल गैर मतवक्को तौर के ऊपर कामयाबियाँ हासिल करते हुए नज़र आएंगे, और स्पेशली ये वो सात अय्याम हैं जिनमें आप अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग अगर करना चाहें और अपना फैमिली का मुस्तकबिल दरख्शां बनाने के लिए जो भी कोशिशें करेंगे उनमें आपको कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिल सकेंगी, और आपकी तमाम तर ख्वाहिशात जो हैं वो बराबर साबित होंगी, और ना सिर्फ ख्वाहिशात बल्कि आपकी जो कोशिशें हैं वो भी बराबर साबित होंगे, और इसके अलावा आपकी दूर अंदेशी इल्मी और तख्लीकी इज़्ज़त ख्यालात और सलाहियतों को काफ़ी हद तक पज़ीराई मिलेगी, और दूसरों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और आपकी बढ़ती हुई साख से कुछ हासदीन जो हैं वो भी जन्म ले सकते हैं और आपके लिए खामखा प्रॉब्लम्स और लेग पुलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अफराद से आपको कैसे मोहतात रहना है, आपने देना शुरू करना है अपना सदका, और ना सिर्फ सदका देना शुरू करना है बल्कि कोशिश करें कि जो नेगेटिव अय्याम मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन स्पेशली डेज़ में आप कोशिश करें कि अपने तमाम तर ऐसे मामला जो कि आपके खुफिया हैं, पर्सनल हैं, आपकी ज़ात से लिंकम करते हैं या आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स तक रखें, किसी भी अननोन पर्सन से उसका तस्करा जो है बिल्कुल नहीं करें। और ये जो नेगेटिव डेज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनमें आपने एक तो ये काम करना है और दूसरा आपने सदका जो है वो भी देना शुरू करना है, हसब तौफीक मुख्तलिफ़ अजनास मिक्स करके आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सदका दे सकते हैं, और स्पेशली ये जो डेज़ हैं ये खसूसन सितारा अतारद की 5 से 28 मार्च और इसके अलावा 8 जुलाई तक 1 अगस्त और इसके अलावा 31 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के हालत अतारद के रिजत के अयाम हैं, ताकि आपका जो हाकिम सितारा प्लानट है जब वो वीक पोजिशन में चलेगा तो तब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की जरूरत है, अदरवाइज जो बाकी आपके लिए मामलात मैंने बताए हैं स्पेशली उन सुमली अफराद के लिए जो कि हिम्मत और हौसला और कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो 2019 उन्हीं का साल है। बुर्ज मिज़ान के हामिल जो अफराद हैं उनकी शख्सियत जो है 2019 के हवाले से स्पेशली 7 जनवरी के बाद पूरा साल ना ख़त्म होने वाली खुशबख्तियाँ जो हैं ये आपके लिए जारी रहती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि आपकी हैसियत और शख्सियत से दूसरे मुतासर हुए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि सितारा जोहरा 27 मार्च से लेकर 20 अप्रैल शर्फी पोजिशन और उसके अलावा 15 मई से 3 जुलाई और 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अरूज याफ्ता रहने से साल का बेहतरीन अरसा दिखाई देता है कि आप इस साल इन तमाम अय्याम में अपनी रूहानी दौर के ऊपर खुशबख्तियाँ जो हैं ये ज़रूर हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप पुर उम्मीद रहें, आप पुर एतमाद रहें, क्योंकि आपकी की गई कोशिशें जो हैं उनका मुस्बत फल और समर जो है ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा और आप मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है ये आसानी करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 20 अप्रैल से लेकर 14 मई, 8 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर जोहरा जब वबाली पोजीशन में होगा और इसके अलावा 21 अगस्त से लेके 13 सितंबर जोहरा जब हबूद याफ्ता रहेगा,
ये वो अयाम है जब आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, और कोई भी प्लानिंग करते हुए आपने अपने जो मुखलिस अहबाब हैं, जो ऑलरेडी तजर्बाशुदा है, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके वालदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके साथ आपने मशावरत जो है ज़रूर करनी है, क्योंकि दूसरों की तवक्कुआत जो आपके साथ वाबस्ता हैं, जब आप उनके साथ मामलात को लिंकअप करेंगे, शेयर करेंगे, तो तभी आपकी शख्सियत जो है वो मज़ीद और ज़्यादा उनकी नज़रों में निखर जाएगी। दो हज़ार 2019 सितारों की नशिस्त के अतबार से एक ज़िम्मेदाराना साल है स्कॉर्पियंस के लिए, स्पेशली जहां फूंक फूंक पर कदम रखने और उठाएं, क्योंकि 2019 में मुतद्दद चैलेंजेस जो हैं वो आपके लिए आपके मंतज़र रहेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि आप कोई भी डिसीजंस कर रहे हैं उनमें किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तहमल मिजाज, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, और ऐसे अफराद के साथ आपने अपने मामलात को ज़रूर मुशावरत में रखना है जो माजी में आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस जो हैं वो बना चुके हैं, आपके लिए मामलात बेहतर रख चुके हैं। अपनी सोच, अपने तजर्बात जो हैं कोशिश करें उनको थोड़ा सा पसे पुश रख के दूसरे अफराद की सोच और उनकी एडवाइजेस के ऊपर अमल करें, तो आपका ये साल काफ़ी हद तक मुश्किलात से पाक गुजर सकेगा। सिर्फ आप इतनी सी गुजारिशात के ऊपर अमल कर लें तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से इंशाल्लाह ना सिर्फ महफूज रह सकेंगे बल्कि कई मुमकिन तौर के ऊपर जो नुकसानात का अंदेशा और ख़दशा है उनसे भी बेहतर तौर के ऊपर बच सकते हैं। मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी जो है ये अजबस ज़रूरी रहेगी, अदरवाइज़ आपको आने वाले अयाम में प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल और खाम खा की नेगेटिविटी, डिप्रेशन जो है उसमें जाने की इंडिकेशन हैं। इस वजह से पहले से की गई प्लानिंग्स, पहले से किए गए मामला जो हैं आपको आगे चल के प्रॉब्लम से इंशाल्लाह महफूज रख सकेंगे, और बिला वजह रुपया पैसा का असराफ जो है उससे ग्रेज करें, क्योंकि असराफ की वजह से आपके लिए बाद में चल के प्रॉब्लम्स जो हैं ये रह सकती हैं। और स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे काम करें तो ये मैं आपको कुछ अच्छी स्पेशली जो मुश्तरी और मरीख और स्पेशली शम्स की जो सात नजरात हैं इनके मैं आपको डेज़ बता देता हूँ। इन अयाम में आप जो भी मामला अंजाम देना चाहें इन डेज़ में कोशिश करें ताकि जो भी प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल हैं वो कम से कम आएँ और आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामला को अंजाम दे सकें। 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी, इसके अलावा 7, 8, 9, 25, 28 फरवरी, 1, 2, 3 मार्च, 13, 14, 15 अप्रैल, 24, 25, 26, 27 जुलाई, 6, 7, 8 अगस्त, 12, 13, 15 अक्टूबर, 10, 12, 15 नवंबर, ये वो डेज़ हैं जिनमें आप कोशिश करें कि अपनी तमीर के लिए, तरक्की के लिए, अपने पॉजिटिव स्पेशली मुस्तकबिल के लिए और जो पेंडिंग शुदा काम है उनको मुकम्मल करने के लिए जो प्लानिंग्स करना चाह रहे हैं इन अयाम में करेंगे तो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्ती के अयाम रहेंगे। और स्पेशली जो नहस नजरात हैं इन्हीं डेज़ की उनमें कोशिश करें कि सदकात दें और वो जो नहस अयाम हैं वो रहेंगे 13, 14, 15 मार्च, इसके अलावा 7 मई, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जून, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14 सितंबर, ये वो अयाम है जिनमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और कोशिश करें कि दूसरे आपको जो नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं सदकात की सूरत में जो है सदका रद्दे बला है, सदका देना शुरू करेंगे तो मामला इंशाल्लाह आपके हक में रह सकेंगे। आपका हाकिम सदारा मुश्तरी 12 साल के बाद 2019 में यूं तो सारा साल ताले में ही रहेगा, ये साल आपके लिए ज़बरदस्त खुशबख्तियाँ लिए हुए तलू हो रहा है और आपकी तबीयत में मुखय्यराना पन की बदौलत आपकी ज़ात से हटकर इज्तमाही तौर पर सभी को साथ लेकर चलने की नेक तमन्ना और कोशिश जो है आपकी तबीयत में मौदबाना पन नेक नीति के सबब आपको बेपना अहबाब बुज़ुर्गों की दुआएं भी मिलेंगी और आप रूहानी तौर के ऊपर जो है काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्तियों से हामिल शख्सियत, एक नुमाया शख्सियत बन के उभरेंगे और आपके जो रिलेटिव्स हैं, अजीज़ो कारिब हैं और आपके जो हल्का अहबाब के अफराद हैं उनमें एक नुमाया मुकाम जो है आपका इस साल इंशाल्लाह 2019 में बनता हुआ नज़र आएगा। इज्जत और शोहरत में इजाफे के अलावा दूसरों की नज़रों में आपकी शख्सियत की जो सहर अंगेजी है ये उनको मुतासर किए बगैर इंशाल्लाह नहीं रहेगी और आप दूसरों के लिए मुतद्दद कई एक मामला जो हैं वो अच्छे और खुशबख्त अंजाम दे सकेंगे। इसके अलावा मुश्तरी और अतारत की जो सात नजरात इस साल रहेंगी वो आप नोट डाउन कर लें ये पॉजिटिव डेज, ताकि आप कोई भी मामला अंजाम देना चाह रहे हैं तो स्पेशली इन डेज़ में देंगे तो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। और वह अंजाम है 3, 4 फरवरी, इसके अलावा 2, 3 मई, 21 अगस्त, 24, 25 सितंबर,
اور ان ایام میں آپ کو متعدد کامیابیاں اور متعدد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل مہیا انشاءاللہ ہو سکیں گے، اور جو منفی اور نحس ایام ہیں انہی پلانٹس کے جو آپ کے لیے پرابلمز اور مسئلے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ ان نحس اثرات اور نحس ایام جو ہیں ان میں آپ کو نہ کوئی صدقات اور اسپیشلی اپنی پہلے سے کی گئی جو پلاننگز ہیں ان کے تحت آپ بہت زیادہ بہتر رہیں، اور وہ ہیں 22-23 فروری، اس کے علاوہ 15-16-17 مارچ، 11-12-13 اپریل، 3 مئی، 8 جون، 6-7-8 جو ہے یہ ستمبر کے ڈیز ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جن میں آپ کے حاسدین جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ پہلے سے احتیاط کریں گے تو آپ انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے اپنا 2019 پہلے کی نسبت جو سال ہیں ان سے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار گزار سکیں گے۔ آپ کا تالا حاکم ستارہ زحل 27 سال کے بعد اس سال بھی بدستور سارا سال یہاں رہتے ہوئے آپ کی اعلیٰ فنی قابلیت عطا کرے گا آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو دوسرے آپ کی شخصیت اور قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں گے، مستقل مزاجی بردباری آپ کی شخصیت کا خاصہ بن جائے گی، اور خود اعتمادی سے آپ 2019 میں بعض ایسے کارہائے نمایاں انجام دے سکیں گے جن کا پہلے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اسپیشلی ستارہ زحل 30 اپریل تا 18 ستمبر جب رجت میں رہے گا تو یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو اچھائی آپ پہلے لے کے چل رہے ہیں ان ایام میں بھی اسی اچھائی اور اسی خود اعتمادی کے ساتھ رہے، اور کسی بھی قسم کی جذباتی پن اور دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنی سوچ جو ہے اس کو کسی بھی طور کے اوپر پس پشت نہ ڈالیں، کیونکہ یہ ٹائم فریم جو میں نے آپ کو بتایا ہے 30 اپریل سے لے کے 18 ستمبر تک، یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کا جو حاکم ستارہ زحل ہے یہ رجت میں رہے گا، جس کی وجہ سے کچھ آپ جلد بازی، جذباتی پن اور غصہ جو ہے اس میں بہت زیادہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ آپ سے جذباتی غلطیاں، فیصلے اور دوسروں سے خامخواہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے گریز کریں، کیونکہ یہ وہ ٹائم فریم ہے جب اگر آپ اوائڈ کر جاتے ہیں منفی سوچ کو، منفی رجحان کو، اپنے اندر کی ایک نگیٹیوٹی کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اوور آل آپ کا تالے جو ہے وہ آپ کا جو حاکم برج ہے وہ آپ کے تالے میں رہتے ہوئے تمام سال آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیوٹی دلائے گا، اور اسپیشلی یہ وہ ٹائم فریم ہے جو میں نے آپ کو مہینے بتائے ہیں ان میں آپ نے صدقہ و خیرات جو ہے یہ جی کھول کے دینا ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پرابلمز اور مسئلے مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ دوہزار انیس ستارہ زحل کی نشست کے اعتبار سے صبر و تحمل، بردباری اور جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کا سال ہے، ہر منگل گوشت یا کلیجی پھپھڑے کا صدقہ ضرور دیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کی وجہ سے آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ کا جو یہ سال ہے 2019 کا یہ بہت زیادہ احتیاط اور کیئرفل کا سال ہے، کیونکہ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے یہ اپنے ہی ذائچے سے کمزور پوزیشن میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ میں 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے یقوت یا مرجان کی انگشتری جو ہے وہ بھی ضرور زیب تن کریں، کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کی جو خود اعتمادی ہے، آپ کے جو کانفیڈنس لیول ہے، آپ کا جو ہمت حوصلہ ہے یہ کافی حد تک انشاءاللہ بڑھے گا، اور اس کے علاوہ ایسے تمام بہن بھائی جو کہ قیمتی جواہرات اور یہ جو سیمی پریشس جیم سٹونز ہیں یہ آپ نہیں اگر خرید سکتے تو ہمارا AQ چینل کی جانب سے آپ سمپلی جو ہے ہمارے ایڈریس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور وہاں پہ ہم ایک لیٹر پوسٹ کریں تو آپ کو تحفتاً جو ہے ہم عقیقے یمنی ضرور بھیجوائیں گے، تاکہ آپ کی جو روحانی برکتیں ہیں وہ مزید اور زیادہ بڑھ جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نگیٹو ایام جو ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ ان نگیٹو ایام میں آپ صدقہ اور خیرات جو ہیں وہ جی کھول کے کریں تاکہ جو پرابلمز مسئلے مسائل ہیں ان سے آپ جو ہیں محفوظ رہ سکیں، اور یہ وہ ٹائم فریم ہے جب آپ کا جو پلانٹ ہے یہ رجت اور کمزور پوزیشن میں رہے گا، اور یہ ڈیز ہیں 30 ستمبر سے لے کے 18 ستمبر تک، یہ جو ایام اور یہ جو مہینے ہیں ان میں آپ نے صدقہ خیرات جو ہے یہ جی کھول کے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سوم و صلات کی پابندی اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی اسم اعظم جو ہے آپ اپنے نام کا نکلوا کے اس کو ضرور ورد کرنا شروع کریں، تاکہ آپ روحانی طور کے اوپر جو پرابلمز اور مسئلے مسائل ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں اور ایک اچھا حل اور اچھی ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ کر سکیں، اور اسپیشلی بزرگوں اور اپنے مخلص تین جو افراد ہیں ان کی مشاورت کے بغیر کسی بھی قدم کو اٹھانے سے گریز کریں۔
تالے کا حاکم سعد اکبر ستارہ مشتری عزت کے گھر میں سارا سال رہنے سے آپ کی حیثیت و شخصیت اور عزت و توقیر جو ہے اس میں اضافہ کرے گا، اور اس کے علاوہ 2019 آپ کی شخصیت کو علمی روحانی طریقے سے مزید نکھار سکتے ہیں، آپ کا وجدان، گیان اور اسپیشلی آپ کی جو روحانیت اور آپ کی جو اعلیٰ ظرفی ہے اس میں بے شمار اضافہ جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آئے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت ایک شجر کی صورت اختیار کر سکتی ہے اپنے فیملی ممبرز کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور جو بھی لوگ آپ کی لائف کے ساتھ اٹیچ ہیں ان سب کے لیے آپ ایک اچھا مخلص کردار اپنی زندگی کا 2019 میں انجام دے سکیں گے، جس کی وجہ سے ان کی نظروں میں آپ کی عزت و توقیر اور ان کی زندگی میں آپ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کا جو ہے آپ کو تحفہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان ریٹرن میں ملے گا کہ آپ کو روحانی طور کے اوپر بھی کافی حد تک انشاءاللہ ایک آپ کے رتبے میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ دنیاوی طور کے اوپر بھی آپ کی عزت و توقیر اور اسپیشلی آپ کے جو فائنینشلی طور پہ اوپر معاملات ہیں ان میں کافی حد تک پرابلمس جو درپیش تھیں ان کو خاتمہ جو ہے ہو سکے گا، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کے جو جذباتی پن کے فیصلے ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں، اور اسپیشلی جو آپ کے حاسدین آپ کے اوپر یا آپ کے ناقدین جو ہیں وہ آپ کے اوپر اگر تنقید کر رہے ہیں، پرابلمس کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ درگزر کر دیں، ان کے اوپر سوچیں نہیں، کیونکہ آپ کا اپنا جو ٹائم فریم ہے یہ بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے، اور اگر آپ ان کے جھمیلوں میں پڑیں گے اور ان کی سوچ کو اپنے اوپر مسلط کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمز آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کوشش کریں کہ جلد بازی کو بالکل بھی 2019 میں اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں، تحمل مزاجی کے ساتھ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، جو آپ کے من میں آ رہا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ اس کا رسپانس جو ہے آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ہماری ویڈیو ایک یو چینل کی جانب سے، امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے 2019 کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے مثبت پلاننگز کر سکیں گے، اور کوئی بھی جو پرابلمس ہیں ان کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتے ہوئے اس کو روحانی طور کے اوپر نہ صرف پرابلم سے پاک کر سکیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی کو۔ اللہ حافظ۔